नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं होली के कुछ टोटके। होली पर उपाय और टोटकों का बड़ा महत्व बताया गया है। अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी स्तर पर परेशान हैं, तो इन छोटे छोटे उपाय से आप लाभ पा सकते हैं। होली पर ये छोटे छोटे टोटके आपकी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। जानते हैं इन उपाय के बारे में। व्यापार में लाभ के लिए करें ये उपाय। इस होलिका दहन के बाद होलिका का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात नारियल, पान और सुपारी जलती होली को भेंट करें। इसके बाद गेरा परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपनी कामना की प्रार्थना करना न भूलें। होलिका दहन के अगले दिन सुबह होलिका की थोड़ी सी राख लाकर एक लाल वस्त्र में स्पष्टिक श्री यंत्र, चांदी के कुछ सिक्के और राख को बांध कर अपने घर की तिजोरी में रख दें। इससे होगा आपको बहुत ही लाभ। कर्ज पाने में दिक्कत हो तो करें यह उपाय। दूसरा है, अगर आप किसी को कर्ज दिए हैं और वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो इस उपाय यह उपाय होली पे करेंगे तो आपको वापस पैसा मिल जाएगा। जिस जगह होली का दहन हो रहा हो, वहां पर एक अनार की लकड़ी पर उस आदमी का नाम लिखकर उसके ऊपर हरा गुलाल डालकर होलिका में डाल दें। धन वापस आने की होलिका माता से प्रार्थना करें। आपका धन अति शीघ्र वापस मिल जाएगा। तीसरा है, व्यापार में गिरावट रोकने के लिए करें ये उपाय। अगर व्यापार में आपके गिरावट हो रही है, आपका धंधा मंदा हो रहा है, तो यह उपाय अवश्य। आप होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, गेरा गोमती चक्र और एक सिक्का चांदी का काले कपड़े में बांध कर होली की 11 बार परिक्रमा करके 108 बार ओम महालक्ष्माय नमः मंत्र का जाप करें। एक बार फिर हम मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। ओम महालक्ष्माय नमः, ओम महालक्ष्माय नमः का मंत्र जाप करें। होली की अग्नि में प्रवाहित करें, कर दें। इससे आपके व्यापार में वृद्धि होने लगेगी। अगला है, परिवार के सुख स्वास्थ्य के लिए करें यह उपाय। अगर आपके परिवार में सुख शांति नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि सुख शांति बनी रहे, तो यह उपाय होली पर अवश्य करें। होलिका दहन के दिन परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नाप कर होली में डालें। होली की विभूति यानी राख घर जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में लगाएं। इससे स्वास्थ्य सुख बना रहेगा। अगला, ग्रहों की शांति के लिए। अगर आपके ग्रह शांत नहीं हो रहे हैं, तो अवश्य करें यह उपाय। होली की रात उत्तर दिशा में बजोड़ पर सफेद कपड़ा बिछा कर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल की ढेरी बनाएं। अब उस पर नौ ग्रह यंत्र स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक लगाएं, ब्रह्मा मुरारी इस्तु पुरंतिकारी भानु शशि भूमि सूतो बुध चंगुरु चा शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करह भवत मंत्र का जाप स्पष्टिक की माला से करें। जाप पूरा होने पर यंत्र को पूजा स्थान पर स्थापित करें, ग्रह अनुकूल होने लगेंगे। अगला, विद्यार्थी अच्छे नंबर पाने के लिए करें यह उपाय। अगर किसी भी विद्यार्थी के अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आप होलिका दहन के दिन यह उपाय कर सकते हैं। बच्चों के हाथों से पान, नारियल और सुपारी को होलिका दहन वाली जगह पर दान कर दें। इस उपाय से जरूर लाभ मिलेगा। अगला, वस्तु दोष से मुक्ति पाने के लिए करें यह उपाय। होलिका दहन के अगले दिन सर्वप्रथम उठकर स्नान कर स्वच्छ होकर अपने इष्ट देव को गुलाल अर्पित करें। अपने इष्ट देव का निवास स्थान ईशान कोण में रखकर पूजन करें। यह उपाय करने से ग्रह दोष, वस्तु दोष समाप्त हो जाता है और घर में शांति, सुख समृद्धि, धनेश्वरी की वर्षा होती है। नौकरी प्राप्त करने के लिए करें यह उपाय। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो आप यह उपाय करके अवश्य देखें, आपको जरूर लाभ होगा। होलिका दहन के दिन आठ नींबू लेकर उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारें, यानी यह क्रिया एंटी क्लॉकवाइज करें।
इन्हें ले जाकर जलती होली में चढ़ा दे। यह उपाय कर होलिका के 8 परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना देवी होलिका से करें। अगला है दरिद्रता के नाश के लिए करें यह उपाय। अगर आपके घर में दरिद्रता या आसपास बनी रहती है जान दी तो यह उपाय अवश्य आपका आपकी दरिद्रता हटा देगी। होलिका की रात पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन लगाकर 7 कौड़िया व 1 छोटे शंख को मसूर की दाल के ढेरी पर स्थापित कर ले। इसके पश्चात मूंगे या फिर तुलसी की माला से ओम गण गणपताये नमः मंत्र का 5 माला जाप कर संपन्न होने पर समस्त सामग्री को किसी निर्जन स्थान पर गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से निश्चिंत ही आपकी दरिद्रता का नाश होगा। अगला है आर्थिक संकट दूर करने के लिए। अगर आपके घर में आर्थिक संकट बना रहता है, रुपए पैसे नहीं है, कमी रही आती है, ज्यादा खर्च हो रहा है, तो आप यह उपाय अवश्य करके देखें, आपको बहुत लाभ होगा। घर या प्रतिष्ठान पर कोई भी एक कील ले जाकर जिस स्थान पर होली जलती है वहां की मिट्टी में दबा दे। अगले दिन उस कील को निकाल कर मुख्य द्वार के बाहर की मिट्टी में दबा दे। इस उपाय से आपके निवास या प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश नहीं होगा, न ही किसी प्रकार की आर्थिक संकट आप पर आएगी। अगला है व्यापार में सफलता मिलने के लिए। अगर आपको व्यापार में सफलता चाहिए तो करें आप यह उपाय। होलिका दहन के दूसरे दिन एक काच्छी नारियल को लाल कपड़े में गेहूं के आसन पर स्थापित करें और सिंदूर का तिलक करें। फिर मूंगे की माला से ओम श्री 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धि नमः मंत्र का 11 बार माला जाप होने पर इस पोटली को दुकान में ऐसे स्थान पर टांग दें जहां ग्राहकों की नजर इस पर पड़ती रहे। इसे व्यापार में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। फिर मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।